सत श्री अकाल। एक नई रेसिपी के साथ आप सभी का हरजीत की रसोई में स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और क्रिस्पी सा नाश्ता, जो कि बनेगा चावल से। तो इसके लिए गैस पर मैंने रख लिया है एक पैन। इसमें डालना है 1.5 कप पानी। पानी मैं मेजरिंग वाले कप से नाप कर डाल रही हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग वाला कप नहीं है तो आप किसी भी कप से नाप कर डाल सकते हैं। अब इसमें डालना है नमक, तो आप स्वाद के अनुसार डाल लें। मैंने डाला है 1/2 टीस्पून। साथ में इसमें डाल लेंगे 1/2 टीस्पून कलौंजी यानी अनियन सीड्स, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। और अब इसमें डाल लेंगे चावल का आटा 1 कप। ये मैं 1 कप मेजरिंग वाले कप से नाप कर डाला है। आपने जिस कप से नाप कर पानी लिया है उसी से नाप कर डाल लें। अब इसमें डाल लेंगे 1 टीस्पून मैदा यानी रिफाइंड फ्लावर, और गैस को इस समय लो मीडियम कर देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। चावल का आटा जो है पानी को फटाफट से सोख लेता है, तो मतलब आधा एक मिनट ही लगेगा और ये मिक्स हो जाएंगे। तो अब ये मिक्स हो गए हैं, तो इसमें इस समय डाल लेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस ऑयल को डालने के बाद स्पैचुला से देखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, तो गैस को कर देंगे बंद और इसे कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट हो गए हैं, तो इसे प्लेट पर निकाल लेंगे। जब ये ल्यूक फॉर्म यानी कोसा कोसा बचेगा तब इसे करेंगे मैश। अब ये थोड़ा थोड़ा सा ठंडा हो गया यानी कि कोसा ही रह गया, तो इसको मैश कर लेंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे। इसका डो बहुत ही आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, हाथ में चिपकता भी नहीं है। अब ये देखिए बन भी गया है, तो इसके हमने 3 पीस करने हैं, यानी 2 पीस कर लें या 3 कर लें, इक्वल साइज़ के मैंने 3 पीस कर लिए। अब इसको स्मूथ कर लेंगे, एक एक पीस से हम बड़ा सा पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो अब इसको बेलना है, तो बेलने के लिए एक चकला ले लिया मैंने। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। आप चाहे तो इसे स्लैब पर भी बेल सकते हैं। ऑयल नहीं लगाना चाहते हो तो इसकी जगह आप सूखा चावल का आटा भी लगा सकते हैं। और अब इसको हाथ से देखिए इस तरह से हल्का हल्का दबाएंगे और बेलन लेकर उससे हम बेल लेंगे। बेलते वक्त आपको लग रहा है कि इसके कॉर्नर्स टूट रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसको आपने बेलना थोड़ा पतला ही है, मोटा मोटा ना रखें, थोड़ा सा पतला बेल लें। अब ले लेंगे एक फॉक और इस तरह से उसमें सारे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर छेद कर लेंगे। मतलब इस तरह करने से क्या होता है कि ये पूड़ी की तरह फूलेंगे नहीं। अब ये मैंने ले लिया एक पिज़्ज़ा कटर, इससे हम इसको स्क्वायर शेप देंगे। जो साइड से टूटे हुए से हैं कॉर्नर्स वो भी हट जाएंगे और इसकी एक स्क्वायर शेप आ जाएगी। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप एक शार्प सा नाइफ भी ले सकते हैं। अब इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं, आप चाहे तो इसे स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं, मैं इसे ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। तो पहले लंबाई में इस तरह से कट करेंगे, फिर इसको स्क्वायर शेप में इस तरह से कट कर लेंगे। चाहे तो आप इसे ऐसे ही रहने दें, अगर ट्रायंगल शेप करनी है तो इस तरह से देखें मेरी तरह से इसको बीच से इस तरह कट कर लें। ये देखें इस तरह से बन गए हैं। तो इस तरह हम सारे पीस काट कर तैयार कर लेंगे। अब एक पीस मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें ऐसे आपने पतले पतले से ट्रायंगल बनाने हैं। अब इनको करना है फ्राई, तो ऑयल भी गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम और एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं डालने हैं, नहीं तो ये आपस में चिपक सकते हैं। तो अब ये देखें इनको पलट लेंगे, तो इनका कलर थोड़ा थोड़ा सा हमने चेंज करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना है। ये देखें बड़े आराम से फ्राई हो गए हैं, इनका कलर भी थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इनको निकाल लेंगे। इसकी आवाज़ देखें, आपको इसकी आवाज़ से ही पता चलेगा कि कितने क्रिस्पी बने। इसी तरह से बाकी के भी फ्राई करने हैं। बच्चों को ये चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मार्केट में जो चिप्स के पैकेट वगैरह मिलते हैं हम बच्चों को अक्सर ला कर देते हैं, उसकी जगह पर आप बच्चों को ये बना कर दे सकते हैं। ये बनाने में भी बहुत आसान है। अब ये सारे फ्राई हो गए हैं, तो इनको भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए सारे फ्राई हो गए हैं, ट्रायंगल तैयार हो गए हैं। आप चाहे तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं या फिर मेरी तरह मसाला लगा कर भी खा सकते हैं। इनको मसालेदार बनाने के लिए मैंने एक बॉल ले लिया, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून पैरी पैरी मसाला। साथ में मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो आप मसाले कम डाल लें, और थोड़ा सा डाल लेंगे नमक। इस मसाले को मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास पैरी पैरी मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं।
अब इनको मिक्स कर लिया तो ये सारे ट्रायंगल इसमें डालकर अच्छी तरह से हिला लेंगे। देखिए इस तरह से हिलाकर सारा मसाला इस पर लग जाएगा। इस तरह से करेंगे जिससे सारा मसाला इन पर लग जाएगा। अब ये देखिए मसालेदार तैयार हो गए हैं, देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं, क्रिस्पी भी ये बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। तो एक पीस मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। आप इन्हें बनाएं, बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। शाम को चाय के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी आई हो पसंद तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।